नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा पब्लिक वॉइस वीडियो, जी हाँ आप लोगों का वीडियो जिसमें आप लोग अपनी बातें करते हैं। आज की एपिसोड में एक नया ट्रैक शुरू हुआ है जो पहले से ही अपनी नींव बना चुका है, अब उसको ओपन करना शुरू किया है और ट्रैक है मालती देवी और अनुज कपाड़िया का। तो देखते हैं ये ट्रैक कितना इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है, आपके ऑडियोज के जरिए हमें ये सब पता चलेगा। तो चलिए शुरू करती हूँ आपके ऑडियोज का सिलसिला, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सुनिए आपके ऑडियोज। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, आपका बेटा जल्दी सही हो जाए और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, ऐसी भगवान से हमारी कामना है। मनीषा दोषी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियो अच्छा लगने के लिए। आज का एपिसोड देखा, अब अनुज को भी कुछ कुछ फील हुआ जब मालती ने बेटा कहा। उनको कुछ अजीब सा लग रहा है, मालती देखती रह जाती हैं अनुज को। कहीं ये मालती का कोई गेम प्लान तो नहीं है अनुपमा को अनुज से दूर करने का। बरखा होती कौन है रोमिल को घर से बाहर निकालने वाली और सेकंड चांस देने वाली? अधिक को कितने चांस देगी और उसको क्यों नहीं घर से बाहर निकालती? सबसे बड़ी बात, खुद क्यों नहीं घर से बाहर जाती है? खुद तो कितनी ख़राब है। डिम्पी का फिलहाल ये बदला रूप अच्छा लगा, पर तोसु की जवान कैसे चल सकती है रोमिल को लेकर? सुब बोले बोले चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। किंजल ने सही तर्क दिए तोसु को। काव्या भी सही बोल रही है, रोमिल को प्यार मिलेगा तो वो सुधर जाएगा। काव्या गलती करके माफ़ी मांग रही है, बाकी बात में कुछ कुछ सच्चाई भी हो सकती है कि मालती अपना बदला लेने के लिए तो कहीं वापस नहीं आई है, क्योंकि मेकर्स हमेशा अनुपमा के घर में निगेटिव लोगों की ही एंट्री करवाते हैं, बस रोमिल को निगेटिव बिल्कुल ना दिखाएं। मालती देवी का कुछ भी दिखाएं चलेगा, नौटंकी अधिक नाटक कर रहा है और नाटक की हेड बरखा। मूवी चलने को पाखी ने कहा रोमिल से, तो बरखा अधिक पर सांप लौट गए, पर अधिक को बरखा ने इशारे से चुप रहने को कहा, पर रोमिल बहुत खुश है। पाखी रोमिल के बारे में सही कह रही है कि प्यार से वो सुधर जाएगा। काव्या कितने अच्छे से वनराज को अपने प्यार के बारे में समझा रही है, अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर रही है। काव्या ने सच में खुद को बहुत बदला है शाह हाउस में आने के बाद। अनुज बिल्कुल सही समझा रहे हैं कि मालती देवी को घर पर मत रखें, पर नहीं, वह अनुपमा मैडम है, करेंगी अपने मन का और एक और मुसीबत को मौका देने की तैयारी कर रही हैं। हो सकता है मालती मुसीबत ना हो, पर इससे पहले जिसको भी रखा सब मुसीबत ही रहे हैं, पर अनुपमा जी ने कोई लेसन नहीं लिया, बस अनुज लाचार हो जाते हैं अनुपमा के सामने। अनुज को इतना परेशान देखकर भी अनुपमा अपना डिसीजन नहीं बदल रही है मालती को ना रखे। अनुज को इतना परेशान देखने के बावजूद मालती देवी अनुज के गले लगकर कहती हैं अपने घर ले चल। जैसे ही अनुपमा मालती देवी से कहती हैं कि ये इन्हीं का घर है, तुरंत अनुज वहीं से भाग जाते हैं और अनुपमा देखती है ध्यान से। मालती देवी मेरा बेटा बेटा करती है तो उनको भी ध्यान से देखकर ऑब्जर्व कर रही है। अनुज ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मालती देवी बार बार बेटा कहकर बुला रही हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्रीकैप में देखा लीला पता नहीं कैसे गिर गई है और अनुपमा को गुरु माँ का सामान में बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, उससे पता चलता है कि उनका एक बेटा है, पर कौन है कहाँ है, उसके बाद कुछ क्लू मिला है अनुपमा को, शायद उसके एक्सप्रेशन से यही लग रहा है। अब देखते हैं सीरियल में आगे क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा, जो दिखाया जा रहा कि मालती देवी का अनुज को बेटा कहना और जो वो हाथ रखता है पैर के नीचे तब भी कहता है और कहते कि मुझे पता, मैं तो बहुत दिनों बाद देखा, कहाँ गए थे बेटा, कहाँ गया था तू, और मैं तो मेरी आंखें कितनी तरस रही थी तुझे देखने के लिए, और बाद में वो गले लगाना और कहना अपने घर ले चलो, जो भी कहती है वो, तो उससे देख के लगता है कि मालती देवी को शायद पता है कि ये अनुज उनका बेटा है। आपने भी कल शो में कहा ही था कि उन्हें पता है शायद कि अनुज उनका बेटा है, पर अगर ऐसा है तो वो
ये जो ठीक है तो वो बात भी समझ में आती है अंजू जी, कि जब हम लोग कहते थे कई बार कहा हम लोगों ने कि मालती दीदी भी जानबूझ के अनुपमा को ले जाना चाहते ताकि वो साबित कर सके कि उसने जो करियर चुना, माँ एक औरत की कहानी, उन्होंने कहा था कि एक औरत अपने परिवार को ही चुनती है और बच्चों को चुनती है अपने करियर को नहीं, तो क्यों ऐसा जो भी है, तो शायद अनुपमा के माध्यम से वो समझाना सही साबित करना चाहती थी अपनी गलती को कि मैंने उन्हें जो गलत किया था अपने नवजात बच्चे को छोड़ के चली गई थी, तो शायद अब हमको ऐसा लगता था और वो इसलिए चिढ़ गई थी और वो उनका सपना, उनका जो जो इरादा था वो अनुपमा पूरा नहीं कर पाई, अनुपमा आ गई छुट्टी के लिए, तो वो इसलिए वो अनुपमा से नफरत कर बैठी, बदला लेने की कोशिश, वो जो हमने सब देखा, तो वहां तक समझ में आता था। और आज वो शायद अगर अनुज को जानती है तो वो यही कोशिश थी कि वो अनुपमा के माध्यम से समझाना चाहती होगा अनुज के मन में, तो और अनुज अनुपमा को बहुत मानता है, अनुपमा के हर फैसले को एग्री ना सही कहता है, तो इसलिए यानी ये बात भी वो जानती थी मालती देवी तो, पर वो ये सब अगर कर रही तो वो फिर अनुज को क्यों गलत कह रही है, अनुज को क्यों उस रास्ते का पत्थर रोड़ा, यानी अपने ही अगर जानती तो अपने ही बेटे के लिए अपने ही बेटे के मन में अपने लिए नफरत भी तो पैदा करते जा रही थी, अगर ये बात सही है तो, अगर वो जानती है तो। और बार बार फोन पे भी वो तो पता नहीं होता है कि वो फोन अनुज ने सुना, वो तो अनुपमा के लिए कॉल था, पर तब भी वो अनुज को ही गलत बुरा भला कहती है, और बाद में भी बहुत बार कहा उसने, बहुत बार शादी में भी वो जब डांस करते हैं तो उनको अच्छा नहीं दिखता, इन दोनों का बीच में जो नजदीकियां, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये अनुपमा अपना विचार ना बदल दे, अगर तब भी वो अनुज के अनुपमा के मन में डालते हैं कि अनुज तुम्हें तुम्हारा रास्ते का रोड़ा बनेगा पत्थर जो भी है, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही थी वो नहीं समझ में आया, इस अगर ये लॉजिक है तो वो नफरत भी क्यों पैदा करी थी अनुपमा के मन में, अनुपमा के मन में नहीं, मैंने अनुज के मन में, कि अनुज को अगर ये पता चलेगा और साफ साफ कह देती है, वो तो अनुज के अनुज उसको नहीं पता रहता कि अनुज को ये सब पता है, पर अब पत्नी है भाई, तो वो भी अलग बात है कि ठीक है चलो मालती देवी को पता नहीं कि ये सब बात अनुज जानता है नहीं, पर जब वो बदला लेना, फिर बदला लेना कहाँ तक सही था, कि अगर बदला लेने आ गई तो अनुपमा के बच्चों को तकलीफ देती थी तब समझ में आता था कि, पर वो छोटी को जब कि वो जानती है कि अनुपमा अनुज की जान बचती है छोटी में, और छोटी को जो वो कहने बहलाने की कोशिश करती है कि यानी वो कि तुम्हारी माँ का तुम्हारी माँ की जान जाने की वजह अनुपमा है, तुम्हारी मम्मी है, तो वो जो डालना चाहती थी छोटी के मन में, तो फिर ये तो गलत था, यानी यानी फिर वो क्यों मालती देवी ने किया जबकि अनुज की जान बचती है अपने बच्ची में, तो ये बदला कैसा हुआ अनुपमा से, तो अनुज से भी बदला हुआ, और अनुपमा को उसे बदला लेना यानी अनुज से बदला लेना, अनुज को तकलीफ देना ये सब था, तो फिर मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मालती देवी को कैसे जानकर, अगर ये मेरा बेटा है तो अगर वहां तक सही था कि वो अनुपमा के माध्यम से डालना चाहती थी कि वो गलत नहीं है, उसने उस समय करियर चुना तो कोई गलत नहीं किया, या फिर वो जो भी, तो माँ कर जाती है ऐसा भी फैसला, एक औरत फैसला ले लेती है ऐसा जो भी दिखाना चाहती थी, पर ये जो बदला वाली बात ते नहीं मुझे समझ में आई कि मालती देवी अनुज को सबक क्यों सिखाना चाहती है, यानी अनुज को भी सबक सिखाना हुआ अनुपमा के साथ, जब ये जानती थी कि ये दोनों एक है, और बहुत बार अनुपमा ने ये साबित भी किया कि वो अपने पति से प्यार करती है, और वो कहती भी ना जब वो मेहंदी लगा के तो बोले अभी भी प्यार है, तो कहती प्यार तो प्यार है, और देखा भी उन्होंने दोनों को साथ में, इतना जानकारी रखती है अनुज अनुपमा के बारे में पहले से, पहले दिन से तो ये भी पता ही होगा उनको, और तो ये बात थोड़ा सा अजीब सी लगी, शायद पता ही नहीं है उन्हें, पता है पता नहीं, वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, मैं भी कंफ्यूज हूँ मैम, और दूसरी बात है कि इधर अनुपमा जो जिद करी, हमने कहा कि कल अनुपमा मान नहीं रही है, पर वो एक जैसे पति पत्नी में एक जिद कहते कि नहीं मान जाओ ना अनुज, मान जाओ ना थोड़े कुछ दिन के लिए जो भी है, तो वो हर जो है ना जो एक्टिंग आज जो दिखा है अनुज अनुपमा का, और अनुपमा का वो जिद करना है वगैरह, तो
ठीक है, हाथ मत जोड़ो, मैं मान लेता हूँ, ऐसा जो भी है। पर अनुपमा को जब समझ में आया कि अनुज को तकलीफ हो रही है, आज अनुज ने कहा भी अनुपमा से कि मुझे हेड फीलिंग आती है, और आपका भी शो मैंने भी देखा कि हेड फीलिंग आती है, तो वो हेड फीलिंग आना भी इसी बात को जाहिर करता है कि हाँ, उसने कभी कहा नहीं, वो अनुज कभी ऐसा कैरेक्टर ही नहीं है, कभी किसी से नफरत नहीं किया। बा ने तो कितने बार गलत किया, कितने बार उसे गलत कहा, कोसा अनुपमा को, अनुज को शादी के लिए बद्दुआएं देना, और ये सब बहुत सी उल्टी सीधी बातें की, बहुत सा अनुज के साथ गलत भी किया, और हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही बोलते रहे, अनुज के मुंह पर बोलते रहे। पर अनुज ने कभी बा से भी नफरत नहीं की, ऐसा नहीं कि वो अनुपमा की बा है इसलिए नहीं, वो बुजुर्ग है, और वो अनुज अनुज का कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो अनु कि किसी से ऐसे नफरत वाली बातें उसके आती नहीं है। और अनुपमा की बा है वो तो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, पर वो नहीं, अनुज जैसा बंदा है, ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि वो किसी से नफरत करे। वो आज भी अधिक से चिढ़ रहा है, बरखा से चिढ़ता है, पर नफरत भी नहीं करता, ऐसी कभी कोई बात नहीं आई है उसके मन में। तो वो अंदर जो दबी, आपने कहा वो सही लगी कि बचपन में एक बैठ जाता है, मन में घर कर जाता है, जो हमें भी पता नहीं होता है, वो अब लग समझ में आ रहा है, वो अभी उसको वो उभर के आ रहा है वो माँ वाले फीलिंग से। तो उसने कहा भी कि उनका वो बेटा बेटा बोलना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, पसंद नहीं आ रहा मुझे। तो वो दर्द को समझ रही है अनुपमा, उस बहुत देख रही है अनुज को कि अनुज ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहा है, अनुज ने कभी ऐसा किया नहीं, वो समझ रही है। शायद यही समझ और यही तकलीफ अनुपमा को ज्यादा जल्दी कोशिश करने पे मजबूर करेगा। अभी आने वाले ट्रैक में जो दिखाया नहीं, पर वो भी वजह हो सकती है अनुपमा की फिर से गुरुकुल में पहुंच गई वहां पता करने के लिए कि ये बेटा बेटा वाली प्रॉब्लम क्या बात है, क्या वजह है कि अनुज को भी तकलीफ हो रही है, और वो शायद अनुज को ही तकलीफ में नहीं देखना चाहती, और अनुज गुरु माँ का सच जल्दी से सामने लाना चाहती कि वो बेटे वाली बात क्यों कर रही। तो वो गई वहां पे, देखते हैं उसके हाथ में क्या क्ल्यू है, वो दिखाया तो नहीं। हाँ, इधर बाका बेहोश होना बताया, तो वो अनुज, और हाँ वो भी काव्या का भी कहेंगे कि काव्या भी कोशिश कर रही है अनुप यानी पाखी के जो हुआ पाखी के साथ, तो उस नारे में कि कहीं वो वनराज का मन में डाल सके कि माँ इन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, माफ़ क्यों कर देते हैं हम अपने प्यार जिसे प्यार करते हैं, तो अपनी बात रखना चाह रही है, कोशिश कर रही है। तो वही ट्रैक बाका जो बेहोश होना बताया रिकैप में, तो बेहोश होने का, हाँ वो आपकी वो दोनों वजह सही है, या तो वो अनुपम काव्या को माफ़ करेगी, काव्या उनकी जो इस हालत में मदद करेगी, तो अनुपमा तो आएगी नहीं, मुझे नहीं लगता कि अनुपमा इस बार आएगी, वो काव्या को देख के आएगी या क्या नहीं पता, पर हाँ अभी जो देख रही है वो रिकैप में जो दिखा रहे हैं वो कोशिश कर रही है, तो अभी इस समय वो नहीं जाएगी, मुझे लगता है कि बाकी लिए नहीं जाएगी, कहेगी वो कि यहाँ पे वन अनुपमा अनुज को मेरी जरूरत है, गुरु माँ है मेरे यहाँ, बाकी और इन लोगों पे भी नजर रखना, ये सब कारण बताएगी अनुपमा बाको या बापू जी को, जिनको भी, तो तुम लोग संभालो, ये तुम्हारा मैटर है। अभी काव्या का अगर फिर से मैटर सामने आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा इस बार ये जरूर कहेगी, और कहना भी चाहिए क्योंकि आज हालात अनुज के ज्यादा फेवर में है, कि अनुज को ज्यादा जरूरत है अनुपमा की, अब तक जो हुआ सो हुआ, ये थोड़ा सुधारना चाहिए यार। अनुपमा का कैरेक्टर लो दिखा रहे हैं, अनुपमा ऐसी नहीं है फिर भी दिखा रहे हैं, तो वो सब पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये होना भी चाहिए। देखते हैं वो माया क्या सॉरी मालती देवी वाला ये जो ट्रैक है माँ बेटे का, तो आगे कैसे जाएगा। हाँ अनुज के लिए तकलीफ है, अनुज को तकलीफ होनी है क्योंकि बहुत आसान नहीं है, और जैसे श्रद्धा ने कहा था कि हाँ फोर्स नहीं करना चाहिए अनुपमा ने, तो हाँ ये बात से मैं एग्री करती हूँ कि फोर्स तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा शांतता से, तो अनुपमा है शांति प्रिय है, वो ज्यादा जिद नहीं करेगी शायद इस समय, वो समझेगी अनुज की भी तकलीफ को समझेगी, क्योंकि अनुज को तड़पते भी देखा है वो अनाथ आश्रम के समय, या फिर उसकी जो फीलिंग को सब तड़पते देखा है अनुज को इस बात को लेके। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा, और लंबा जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, जितना फास्ट अभी रिकैप में दिखा रहे तो शायद ही लंबा नहीं खींचेगा, देखते क्या होता है आगे। और थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम अभी आपके दोनों वीडियो देखे, और पहले में आपने बताया कि अनुज हेट करता है और मालती देवी से इसीलिए दूर भागता है, इसकी वजह आपने बताई कि
तो उसमें ये भी हो सकता है ना मैम कि बचपन से उसे अनाथ आश्रम में रखा गया और अनाथ आश्रम में किस तरह से रहे होंगे और क्या वजह रही होगी मालती देवी की। पर अनुज केयर तो करते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में भी मालती देवी का पैर किसी शोपीस के टूटने पर उस पे आने वाला था, तभी अनुज ने उस पे मालती देवी के पैर पड़ने से पहले अपना हाथ रख दिया था और कहा था कि अब आप चल सकती हैं। बाद में भी घर में भी कुछ तोड़ के मालती देवी आ रही थी तो वो परेशान हो गए। तो ये भी तो हो सकता है कि उसे बस अभी क्यों छोड़ा और उसके पिता कौन है ये भी जानना चाहते हो। और अनुज को माँ की फीलिंग आती है ये भी आपने अपने वीडियो में बताया। और दूसरे वीडियो में आपने बताया कि बा के अटैक आने का कारण हो सकता है काव्या है। मैं इस बारे में अभी आपको कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि ज़्यादा बोलना या तो मेरे लिए अतिशयोक्ति होगी या जल्दबाजी होगी। पर सिर्फ एक बात कहूँगी आपके दूसरे वीडियो के बारे में कि बा जिस जगह पे गिरी है वो घर के बंटवारे के बीच की लाइन है, वहाँ पे बा को गिरते हुए दिखाया गया है नए प्रोमो के हिसाब से। और नए के प्रोमो के हिसाब से तो अनुपमा गुरुकुल जाके मालती देवी का सब कुछ देखने के लिए बोल रही है कि आप देखिए और उनका कुछ सामान हो तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए। तो वो आंटी ने वो मैडम ने उन सब एक सूटकेस भर के सामान दिया और उसमें अनुपमा चेक करती है तो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब मिलता है। तो क्या आज के धारावाहिक में जिस तरह से बा ने कहा, मैम मैंने धारावाहिक भी देखा कि बा ने कहा कि मालती देवी किसी साजिश के तहत यहाँ आई है या सच में उनकी तबीयत खराब है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। और अनुज बार बार बोल रहे हैं कि बार बार बोल रहे हैं कि मुझे तुम अभी गुरु माँ को कहीं पे भी रखो, पूरा खर्चा मैं दूंगा, लेकिन उनके यहाँ रहने से मुझे हेट जैसी फीलिंग आती है, उनसे नफरत जैसी होती है और मुझे उसके लिए नहीं यहाँ कंफर्टेबल लगता है। फिर ये मालती देवी का ट्रैक होने के बाद में शाह ने बताया बाप भगवान से प्रार्थना कर रही है। किंजल ने कहा कि मुझे माफ़ कर दी, मैंने आज पाकी के लिए मन्नत मानी थी, तब डिंपल का आका बोलना तभी मैंने भी मन्नत मानी थी, मैं इंसान हूँ, इस घर की बहू हूँ और एक औरत हूँ, इसीलिए मुझे भी कभी कभी कुछ फील होती है। और बा को ये लगना कि मालती देवी अपना बदला पूरा करने के लिए मालती माया की तरह नाटक कर रही है और अधिक और पाखी का ड्रामा देखा। बाद में अधिक और अधिक अंकुश और बरखा की बात सुनी, मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई अच्छा है, तुम्हारे जैसे किडनैप नहीं कर सकता और तुम्हारा बेटा ऐसा है और अब मैं उसे धक्के मार के निकाल दूंगा। और वहाँ शाह उसमें काव्या को अभी रोमिल की फीलिंग समझ में आ रही है क्योंकि वो अपने आप को भी अकेला महसूस कर रही, कह रही है कि मुझे भी तो प्यार नहीं मिला, इस घर में आने के बाद मैंने खुद को कितना बदला है। और रोमिल के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि रोमिल में बचपना है पर उसे ये तोशु का कहना कि उसे माफ़ नहीं करना चाहिए। तब किंजल ने अच्छा कहा कि मैंने भी तो तुम्हें कितने मौके दिए, एक मौका तुम्हें देना ही चाहिए। और अधिक के बारे में सबकी फीलिंग सही है लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप यहाँ तो पाखी को लेके आ जाते वनराज अगर बेटी की इतनी ही चिंता थी तो। और बरखा का बटर लगाना
बटर लगाना कि तुम जाओ अधिक और तुम घूम के आओ। तब पाखी ने कहा कि आप भी चलिए, और अंकुश को भी ले जाने के लिए बोला। तभी वहाँ रोमिल के आता है। रोमिल को पाखी ने कहा कि तुम चलो, उसने कॉलेज का प्रोजेक्ट का बहाना बनाया। तब भी ये दो भाई बहनों का मुंह बिगड़ गया था, जैसे कि उनके घर में रही हैं। और काव्या बहुत दर्द में है अभी कि मैं अपनी गलती, इतनी गलती मान ली है मैंने, और इतने ताने की सुनने की वजह भी हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे हूँ। वनराज, मैं बहुत प्यार करती हूँ, अब मुझे मेरे बच्चे के लिए फैमिली चाहिए, क्योंकि मैंने जिस तरह का वक्त निकाला है उस तरह से मैं अपने बच्चे को नहीं रखना चाहती। वनराज को ये गिल्ट नहीं। और अनुज अनुपमा के बारे में भी बोलूँगी कि अनुज ने कहा कि डॉक्टर के सामने मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन अब तुम मेरी बात समो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ मालती देवी को रखना। पर अनुपमा एक ही रट पकड़ी, उनकी उम्र कि हम में से किसी की माँ होती तो हम ऐसे छोड़ देते। और बाद में जब मालती देवी के हाथ से कुछ गिर जाता है तो उसी पे चल के अनुज के पास आके कहना कि मुझे मत यहाँ रखो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे अपने घर ले चलो। फिर अनुपमा ने बोला कि ये अनुज का ही घर है। और बरखा का ये बीच में बड़बड़ाना कि ये लोग रास्ते पे चलते हुए किसी को भी लेके आते हैं। और स्वीटी को पहचान लिया, इसीलिए अनुपमा इसे यहाँ रखना चाहती है। मेरी या आपकी माँ समझ के रख लीजिए। पर अनुज उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन शाह कपाड़िया हाउस में गुरु माँ को रखना मुझे नहीं लगता ठीक है। और अनुपमा अनुज के चेहरे को देख के समझ भी गई है कि तुम्हें आपकी कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। पर गुरु माँ ने जब बोल के बोला मे बेटा मुझे यहाँ से लेके चलो, तब अनुज उनका छोड़ के अपने कमरे में जाके बेचैन हो गया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें यहाँ नहीं रखूँ। अनुज अभी इमोशनल अनुपमा ब्लैकमेल कर रही है अनुज को कि थोड़े दिन के लिए ही रख लीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, हाथ मत जोड़ो। पर ये बहुत इमोशनली चल रहा है। तो अनुपमा, आपको कम से कम अनुज की बात समझनी होगी। आप मिलने जाइए रोज। और अब फिर अधिक और पाखी ने अनुज की बर्थडे का प्लान बनाया। ये सबसे अच्छा आज का सीन लगा, बस एक ये सीन और एक डिम्पल में थोड़ा सा बदलाव देखकर अच्छा लगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो अनुज का बर्थडे अच्छी तरह से मनाएंगे। और जब मालती देवी खुद अपने गिरी हुई चीज पे से चल के अनुज के पास जाती है, तब रोमिल सहित सब चौंक जाते हैं। मुझे अपने घर ले जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना है, बार बार उनकी एक ही रट थी। अब अनुपमा, आपको ये आपका घर धर्मशाला या बिना पैसे दिए रहने की होटल है, यहाँ पे सब लोग आपका आते हैं और आप ही के खिलाफ साजिश रखते हैं, कभी तो इमोशनल होना बंद कीजिए, कभी तो अनुज की फीलिंग को समझने की कोशिश कीजिए कि वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं। खैर, करेगी तो अनुपमा अपने मन की ही। थैंक यू सो मच अंजू मैम। और कल वर्षा जी आपका, श्रद्धा जी आपका, कुमुदिनी जी आपका ऑडियो बहुत अच्छा था, आप सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे। हर किसी के ऑडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही। कहती जी परेशान मत होइए, हो सके तो अपनी परेशानी किसी से शेयर कीजिए, हो सकता है कोई रास्ता मिल सके। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज भेजने के लिए।
शबनम आपने भी ऑडियो भेजा था, मगर जहां पे आपने अनुपमा के लिए कहना शुरू किया वहां पे पीछे कोई गाना चल रहा था, तो वो ऑडियो में यूज नहीं कर पाई, मगर आपकी बात मैं जरूर सबके सामने रखूंगी कि आप अनुपमा के बारे में क्या सोचती हैं। आपने कहा है कि जल्दी से अनुपमा को कोई डिसीजन लेना चाहिए और मालती देवी साजिश कर रही है, और बाकी सब आपने जो भी कहा है वो बहुत अच्छा है। आपकी तबीयत खराब है, आपकी आवाज से भी पता चला और बातों से भी, तो आप अपनी सेहत का प्लीज ध्यान रखिए और हम सब आपकी अच्छी सेहत के लिए और आपकी खुशी के लिए दुआ करते हैं। तो थैंक यू सो मच सब शबनम, प्लीज टेक केयर। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोस, और आपको कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.